अच्छा हम बोल रहे थे एक और चीज, कोशिश करना कभी कभी, ठीक है, हम पढ़ रहे थे कहीं तो सबसे लंबा लाइफ स्पैन होता है जनरली जीव में अगर देखा जाए तो कछुआ का, क्यों जानते हो? उसका ब्रीदिंग रेट एक मिनट में सिर्फ 4 से 5 सांस लेता है वो, सिर्फ 4 से 5 सांस लेता है वो, क्लियर है? उसके बाद फिर देख लो कुत्ता जैसे, क्या है कुत्ता, कुत्ता जो है उसका 1500 साल उम्र है, क्यों? क्योंकि वो एक मिनट में लगभग 100 से 150 सांस लेता है, बहुत तेजी से, देखना हफ्ते रहेगा पूरा। इंसान हम लोग एक मिनट में कितना लेते हैं, 15 से 20 सांस लेते हैं, और 15 से 20 सांस लेते हैं तो हम लोग का लाइफ देखो कछुआ से कम, यानी जितना स्लो रहेगा ब्रीदिंग रेट लाइफ उतना बढ़ता है, क्लियर है? तो लाइफ क्यों बढ़ता है, क्योंकि जल्दी डिजीज वगैरह नहीं होगा। तो सच्चाई है कि ब्रीदिंग रेट जो है ना, इसीलिए तुम देखो सबसे, आपको पता होना चाहिए इंडिया में सबसे अधिक वैल्यू दिया जाता है योग को, मालूम है कि नहीं? हम लोग नहीं अपना रहा, अलग बात है, विदेशी लोग अपना रहा है। और तुमको एक चीज हम गारंटी दे सकते, जितना भी तुमको हीरोइन मिल जाएगी, जितना भी तुमको बड़ा सब आदमी मिल जाएगा, सब मेडिटेशन करता है, सब कोई, चाहे कितनों बिजी का ही नहीं हो, ठीक है, कितनों बिजी इंसान क्यों नहीं, यहां तक बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वो सब भी क्या करता है, मेडिटेशन करता है। हम लोग क्या बोलते हैं, समय ही नहीं है। तो मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन मतलब ये नहीं केवल एक्सरसाइज पूरा, तुम देखना मेडिटेशन में एक होता है प्राणायाम, ये सब होता है ना, वो सब क्या करता है, सांस लो रोको फिर छोड़ो, होता है कि नहीं? तो ब्रेथ रेट क्या कर दिया, स्लो कर रहा है। आप डेली अगर इमेजिन करो, डेली 10 मिनट भी करते हैं तो सोच लो डेली 10 मिनट यानी महीना में कितना, 300 मिनट यानी 5 घंटा, समझ गए? और 5 घंटा आप कंट्रोल करके रखें तो डेफिनेट आपका हेल्थ बढ़िया होना ही है। इसीलिए बोलते हैं प्राणायाम, उसको क्यों नाम रखा गया है, आपके प्राण को एक नए आयाम तक लेके जाएगा, ठीक है, समझ में आया?